जी तो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। अभी मैं एयरपोर्ट के अंदर आ गया हूँ, सियालकोट एयरपोर्ट के अंदर। अभी मैं जाने लगा हूँ जॉर्जिया। तो इमिग्रेशन का मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि इमिग्रेशन पे मुझसे बस एक दफ़ा पूछा गया कि आप कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा जी मैं जॉर्जिया जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की, नेट से चेक किया, एक भाई को बुलाया, उनको कहा जी आप ज़रा देखें। तो उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं है, एंट्री मिल जाएगी इनको, क्योंकि इनका शेंजन का और यूके का वीज़ा लगा हुआ है। तो मुझे बहरहाल इतनी परेशानी नहीं हुई, ना पूछा कुछ उन्होंने मुझे। शो मनी पूछी थी वो मैंने बता दिया था, टेस्ट वगैरह पूछे थे, बस इतने ख़ास नहीं पूछे थे, मगर मैंने तमाम तैयारी के साथ ही मैं आया था। तो अब दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह अगला सफ़र जो है वो भी आसान गुजरे। तो अभी मैं जा रहा हूँ जॉर्जिया। तो अभी शारजा भी स्टे है, उसके आगे फिर इंशाल्लाह ताला आगे जो है ना जो भी फर्दर प्लान होगा इंशाल्लाह मैं भाइयों को ज़रूर बताऊँगा। मैंने अभी जी मैंगो मिल्कशेक मंगवाया है, तो वो पीने लगा हूँ। एयरपोर्ट पे बैठा हुआ हूँ सियालकोट वाले। अच्छा जी, मैंने अभी जो ऑर्डर किया है वो डील वन किया है, ये जो सामने मिस्टर कोड है इससे। तो अभी देखूंगा मैं और टेस्ट करके बताऊंगा आप दोस्तों को कैसी है वो डील। तो उसमें फ़िश है, फ्राइज़ हैं और साथ में मेरे ख्याल से बॉटल वगैरह है या चाय है, जो भी है अभी मुझे नहीं पता। मैंने वो देखी है डील, तो डील मैंने उनको कह दी है। ये 440 की डील दी है उन्होंने मुझे। अभी आती है डील तो मैं आपको दिखाता हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ है। ये मेरे बोर्डिंग कार्ड है जी दोनों, ये वाले। तो इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है कि सियालकोट एयरपोर्ट पे मुझे तंग नहीं किया उन्होंने। तो उन्होंने मुझे से एक दो चीज़ें पूछी है, मैंने उनको बताया कि मेरे पास शेंजन और यूके का वीज़ा है वैलिड, तो इस पर जॉर्जिया की एंट्री है। तो उन्होंने एक बंदे को बुलाया, दोस्त को बुलाया कि जी आप आके बताएं। उन्होंने कहा जी जॉर्जिया तो जो सऊदी अरेबिया का जिसका वीज़ा लगा होता है ना उसको भी वीज़ा दे देते हैं, तो ये तो इनका शेंजन लगा हुआ है, कोई मसला नहीं, इनको एंट्री मिल जाएगी, आप इनको जाने दें। तो फिर मैं उन्होंने स्टैंप लगा दी, कोई बात ही नहीं की। इतना जो है टफ एक्सपीरियंस नहीं रहा, बहुत अच्छा रहा, स्मूदी रहा है, बहुत अच्छे कोऑपरेटिव करने वाले लोग हैं, मुझे ईजीली मैं एंट्री मिल गई है, अंदर मैं आ गया हूँ। अभी मैं वेट कर रहा हूँ जी मिस्टर कोड का। तो मैंने कहा चलो मिस्टर कोड का जो है ऑर्डर जो दिया हुआ है डील नंबर वन, वो अभी चेक करते हैं कैसी है। ये जी मिस्टर कोड की डील आ गई है, ये 440 की दी है उन्होंने। ये एक फ़िश का पीस है और एक थोड़ा सी फ्राइज़ है और साथ में एक ये 7 अप की बोतल है। तो ये 440 की डील है, एक डील नंबर वन है इनका। तो अब टेस्ट करते हैं, बताते हैं कैसा है ये।
अभी मैं नेक्स्ट फ्लाइट का वेट कर रहा हूँ जो कि शारजा से जॉर्जिया जानी है तबलीसी में। अभी मैं एयरपोर्ट पर बैठा हुआ हूँ, वेट कर रहा हूँ। अपना मेरा गेट नंबर है 23। अभी मैं नेक्स्ट फ्लाइट में बैठ गया हूँ जॉर्जिया के लिए शारजा से। तो अभी मैं प्लेन में हूँ, तो इंशाल्लाह तला 3-3 घंटे की जर्नी है। तो इंशाल्लाह उधर पहुँच के फिर वीडियो बनाएंगे, मज़ीद तो दिखाऊंगा मैं आपको जॉर्जिया कैसा है। जी अभी मैं आ गया हूँ बाहर जॉर्जिया एयरपोर्ट से। उधर का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये रहा है कि मैं आया हूँ तो मुझे उन्होंने साइड पे कर दिया। उन्होंने कहा जी आप साइड पे हो जाए। एयरपोर्ट जो पासपोर्ट था मेरा वो पुलिस वाले को दे दिया। तो तकरीबन कम अज़ कम मुझे 1 घंटा लगा है एयरपोर्ट क्लियर करने में, पर उन्होंने तंग नहीं मुझे किया। उन्होंने कहा कि आप साइड पे खड़े होकर बैठ जाएं, हम आपको बुलाते हैं। फिर हमें मुझे बुलाया उन्होंने। फिर उन्होंने मुझे कहा जी आपके पास होटल बुकिंग है, करेंसी शो करवाएं और अगली नेक्स्ट फ्लाइट जो है वो चेक करवाएं। ये दोनों तीनों चीज़ें मैंने चेक करवाई। उसके बाद लड़की ने कहा कि जी आप हमें जो है ना इंश्योरेंस भी दें। मैंने कहा इंश्योरेंस मेरे पास नहीं है। तो उसने दोबारा बात नहीं की कोई भी। तो उसने मुझे मेरा यूके का वीज़ा भी लगा हुआ है, शंगन भी लगा हुआ है। मुझे उन्होंने कहा कि जी आपको फिर हम यूके के वीज़े पर एंट्री दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है जी दे दें मुझे एंट्री। तो वो 1 घंटे के बाद मुझे इजीली एंट्री मिल गई, स्टैंप लगा दी है। उसने कहा जी वेलकम आपको, वेलकम टू जॉर्जिया। तो मैंने कहा जी थैंक यू सो मच। तो बाकी एक्सपीरियंस जो है, बाकी बातें जो मैं आपसे बाद में करूंगा। जी फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज मैं जॉर्जिया में हूँ, ये मेरा 36 नंबर कंट्री है। जॉर्जिया में चीज़ें सेल हो रही है। ये मैं आपको जो जॉर्जिया दिखा रहा हूँ ना, ये ओल्ड सिटी है। ये देखिए ओल्ड तबलीसी इसको कहते हैं, ये ओल्ड तबलीसी का एरिया है। ये देखे पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई है, बड़ी बड़ी खूबसूरत सी। ये देखें जी बहुत पुराने पुराने घर बने हुए हैं ये। ये अभी मैं आप दोस्तों को दिखा रहा हूँ ओल्ड तबलीसी। अभी मैं आपको जो है मॉडर्न तबलीसी है वो भी दिखाऊंगा। बारिश शुरू हो गई है जी, मगर मुझे कोई जगह नहीं मिल रही। ये देखिए यहाँ पर बारिश कितनी तेज़ हो रही है। ये देखिए बारिश ने स्पीड पकड़ ली है और मैं आप दोस्तों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए अभी मैं किसी जगह पे कोई आसरा लेके तो किसी जगह पे खड़ा होता हूँ। ये बेसिकली एवलबारी जगह स्ट्रीट है जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ, और मैं जा रहा हूँ अभी फ्रीडम स्क्वेयर पर, वो आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी अभी मैंने पूछा है बंदे से, मैंने कहा जी मैंने फ्रीडम स्क्वेयर जाना है। तो उसने कहा जी फ्रीडम स्क्वेयर जो है वो क्लोज हो चुका है, मगर मैंने तो खाना खाना है, मैंने सुबह को कोई चीज़ नहीं खाई। तो अभी मैं जा तो रहा हूँ, अगर कोई मुझे होटल मिल जाए। मेरे बहुत ही प्यारे अंकल अब्दुल गफार भाई हैं, उन्होंने कहा है कि जी उधर होटल हॉस्टल है ताज महल हॉस्टल, तो उधर खाना भी मिलता है। तो ट्राई करने लगा हूँ कि अगर उधर चला जाऊँ उधर मिल जाए मुझे। बारिश तेज़ हो गई है और ये बारिश का बिना अपना ही मज़ा है। ये देखिए अभी मैं एक शेड वगैरह है उसके नीचे खड़ा हो गया हूँ। तो ये मुझे लगता है कि मैं फ्रीडम स्क्वेयर के पास पास पहुँच गया हूँ। ये देखिए जी ये बिल्डिंग है फ्रीडम स्क्वेयर के पास की। अभी पहुंचा नहीं हूँ, मैं पूछता हूँ किसी से फ्रीडम स्क्वेयर है किस जगह पे। अभी मैं फ्रीडम स्क्वेयर के पीछे ही हूँ। तो इधर वैसे फ्रॉड श्रॉड तो काफ़ी चलता है, टैक्सी वाले बहुत ज़्यादा आपसे पैसे मांगते हैं। तो एक येंडेक्स की ऐप है टैक्सी की, वो आप इंस्टॉल कर लेंगे तो वो बहुत बेहतर होगी आप लोग दोस्तों के लिए। तो ये अभी मैं तकरीबन 1 किलोमीटर पीछे ही हूँ। मुझे लगता था जैसे स्क्वेयर माल आ गया, मगर स्क्वेयर माल नहीं है ये वाला, ये उससे मैं अभी पीछे ही हूँ। तो अभी बारिश हो रही है, जो भी किसी टैक्सी वाले से बात करता हूँ कि भाई जान फ्रीडम स्क्वेयर जाना है, तो
तो वो पैसे बहुत चार्ज कर रहा है, तो इस वजह से मैं अभी वेट भी कर रहा हूँ। मैंने यनडेक्स के से जो है ना वो गाड़ी मंगवाई है, वो आएगी तो इंशाल्लाह उस पर जाऊँगा, तो जितना भी फेयर बनेगा फिर भैया को बताऊँगा। अभी अभी थोड़ी सी वो लेट है गाड़ी आने में। अच्छा, इधर से ना आपने टैक्सी वगैरह का या कोई ऐसा चक्कर नहीं करना, जो मैंने आपको बताया आपने वही करना है। एयरपोर्ट से कोशिश कीजिएगा कि एयरपोर्ट से बस से में बैठ के आप बाहर निकलें। अगर टैक्सी वाले बाहर आएंगे तो आपको तबरीज़ी सिटी में जो अंदर लेके आना है उन्होंने, तो वो 100 लारी मांगते हैं। तो आपने क्या करना है, आप दोस्तों ने बार्गेनिंग करनी है उनके साथ। तो मैं जैसे आया हूँ तबरीज़ी सिटी में आया हूँ, मैंने 20 लारी दिए हैं, 100 मांग रहे थे वो। और एक और बात बताता चलूँ, आपने दुबई से करेंसी चेंज नहीं करानी, दुबई में ये रेट कम देते हैं। इधर आपको $100 के 284 लारी जो है ना, लारी करेंसी का नाम है इनका, आपको $100 के 284 मिलेंगे, यानी कि समझ लें आप कि जो $1 है 28 रुपीज़ समथिंग का है। तो कोशिश करें जब भी आएँ आपको इतनी अवेयरनेस हो और पता हो। तो अभी मैं जा रहा हूँ फ्रीडम स्क्वायर में, बारिश कम हो रही है ऐसा ऐसा, तो अभी कोशिश करता हूँ उधर जाके फिर आपको दिखाता हूँ कि मैंने खाना क्या खाया, क्योंकि सुबह का मैंने खाया कुछ नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ, बारिश हो रही थी जी, तो वो जो यनडेक्स वाले थे उन्होंने जो डिलीट कर दी, तो उन्होंने कैंसिल कर दी राइड। तो अभी मैं भाई के साथ आया हूँ, तो इन्होंने बड़े अच्छे रीजनेबल पैसे जो है चार्ज किए हैं, तो ये मुझे लेके जा रहे हैं। तो बड़े खुश दिल इंसान है ये, ज़बरदस्त आदमी है। तो अभी मैं जा रहा हूँ फ्रीडम स्क्वायर की तरफ। बारिश हो रही है जी, तो अभी होटल ढूंढ रहे हैं हम। अभी भाई को नहीं मिल रहा होटल, मैंने कहा चलो होटल ढूंढते हैं, उधर जाके कोई खाना शाना खाते हैं। होटल है इधर ताजमहल होटल है, ये अंकल गफार हैं, उन्होंने हमें बताया है। तो मैं उधर ही जा रहा हूँ, फ्रीडम स्क्वायर के पास ही है वो। तो अभी बारिश बड़ी तेज़ हो रही है। अभी मैं ताजमहल रेस्टोरेंट पहुंच गया हूँ, बारिश हो रही है, टैक्सी वाले को किराया नहीं मिल रहा, तो चेंज नहीं मिल रहा उसको, अभी वो चेंज लेने जा रहा है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैं आया था जी, तो टैक्सी वाला मुझे कहीं गलत जगह पर छोड़ गया है। मुझे कह रहा था कि वो गली में सामने जाके वो रेस्टोरेंट है, ताजमहल रेस्टोरेंट वो सामने है। तो मैं उतर गया, तो जब वो चला गया तो जब मैंने देखा तो उधर रेस्टोरेंट का नाम ही कोई और था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब जिसकी किस्मत का है वही सही, अब किसी और जगह से खाना खा लेगा। ऑर्डर दिया हुआ है मैंने, तो अभी आता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर दिया है। ये खाना मंगवाया जी मैंने, ये दाल है, रोटी, योगर्ट और ये प्लेट है मेरी। ये वाला खाना मंगवाया, खाना अच्छा है बहुत इनका, बहुत मज़ा आ रहा है खाने का, ज़बरदस्त है खाना, टेस्ट बहुत अच्छा है इनका। ये टूर मैंने ले लिया है, कल इंशाल्लाह ताला करूँगा मैं। अभी ये जो इस एरिया में मैं खड़ा हूँ, ये फ्रीडम स्क्वायर के पास का ही एरिया है सारा। ये देखें बहुत ही खूबसूरत जगह ये वाली, ये जो मैं जिस कंट्री में आया हूँ ये मेरा कंट्री नंबर है, मे बी 35 और 36 होगा। तो ये हलाल फूड भी सामने मिलता है, मैंने उधर से खाना खाया जहाँ पे लिखा हुआ है हलाल फूड। मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा थोड़ी सी लोकेशन क्लोज करके, ये सामने साला इंडियन रेस्टोरेंट है, इधर हलाल फूड भी मिलता है। तो ये सारा एरिया ये देखें, अभी मैं चलने लगा अपने होटल की तरफ। तो आज के लिए इतनी ही वीडियो काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।